कितनी मुश्किल हो रही है समाजवादी पार्टी को जब मुलायम सिंह यादव इस वक्त नहीं है और अखिलेश यादव के ऊपर पूरा दारोमदार है। यह बात सही है कि नेताजी आज नहीं है, लेकिन नेताजी की यादें, नेताजी के काम, नेताजी के विचार माननीय अखिलेश यादव जी में हैं और पूरा उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी को नेताजी के रूप में देख करके काम करता है, प्रभावित होता है। हम सब लोग अखिलेश यादव जी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी के रूप में देखते हैं, वो हमारे नेता हैं। लखनऊ में आपका ओपोनेंट भारतीय जनता पार्टी का वो प्रत्याशी है जो प्रधानमंत्री के अलावा सब कुछ रह सकता है, उनके सामने चुनाव लड़ना कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? माननीय राजनाथ सिंह साहब देश के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन लखनऊ राजधानी है और वो दो बार से हैं और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि लखनऊ में विकास होगा, लेकिन वो विकास के काम नहीं हुए। विकास के काम सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के फिलवक्त मुखिया हैं अखिलेश यादव, लेकिन ये पार्टी बनाई है नेताजी मुलायम सिंह यादव की। और 2024 में जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये पहला ऐसा चुनाव है जो समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह यादव के लड़ रही है, क्योंकि उनका निधन हो चुका है। और हम इस वक्त लखनऊ में बैठे हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी का लखनऊ कार्यालय है और हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उससे भी बड़ी पहचान ये कि मुलायम सिंह यादव के वो पुराने साथी जिनके साथ मुलायम सिंह यादव इसी लखनऊ की सड़कों पर स्कूटर के पीछे बैठ के घूमा करते थे। तो चलिए जरा हम उनसे जानने समझने की ये कोशिश करते हैं कि इस वक्त जब वो 2024 के चुनाव में हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव के बिना समाजवादी पार्टी को कितनी मुश्किल हो रही है। तो शुक्रिया फाकर साहब वक्त देने के लिए। आप मुलायम सिंह यादव के पुराने सहयोगी रहे हैं, जितना मुझे बताया गया, जो स्थानीय लोगों से मैंने सुना कि जब मुलायम सिंह यादव सैफई से निकल करके अपनी राजनीति लखनऊ में जमाने की कोशिश कर रहे थे तो आप उनको स्कूटर पर बिठा के और घुमाते थे पूरा शहर। देखिए, सन 87 में करीब मैं माननीय मुलायम सिंह यादव साहब से जुड़ा, जब माननीय मुलायम सिंह यादव साहब लोक दल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व नेता विरोधी दल, पूर्व मंत्री थे। मैं उनकी नीतियों से, उनके कामों से, उनके संघर्ष को देखते हुए उनसे बहुत प्रभावित था और मैं अपने तमाम साथियों के साथ मैंने लोक दल पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने मुझे लखनऊ युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया। उनके काम करने का अंदाज़, वो हर वर्ग के एक एक व्यक्ति को के पास जाना चाहते थे, हर एक वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे और उनकी मेहनत देख करके, मतलब लखनऊ शहर राजधानी है हमारी और उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने जो मेहनत की, जिस तरह से वो इटावा में और पूरे प्रदेश में मेहनत करते थे, लेकिन वो हमारे पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, एक पूर्व शहीद अक्षवर मल साहब हैं जो लोक दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, लाठी चार्ज में उनका देहांत हो गया, अब शहीद हो गए, उनके साथ पूरे शहर के हर वार्ड में जा करके लखनऊ में लोक दल पार्टी को, समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करना चाहते थे। तो इस वजह से कभी ज़रूरत पड़ती थी तो अगर गाड़ी नहीं होती थी तो मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर बैठ के भी वो वार्डों में लोगों को जोड़ने के लिए जाते थे। क्योंकि नेताजी की बहुत सारी कहानियां हैं, उत्तर प्रदेश या कहिए या देश कहिए, पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कितनी मुश्किल हो रही है समाजवादी पार्टी को जब मुलायम सिंह यादव इस वक्त नहीं है और अखिलेश यादव के ऊपर पूरा दारोमदार है। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव साहब देश के लीडर थे और अखिलेश यादव साहब उनके बेटे हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। ये बात सही है कि नेताजी आज नहीं हैं, लेकिन नेताजी की यादें, नेताजी के काम, नेताजी के विचार माननीय अखिलेश यादव जी में हैं और पूरा उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी को नेताजी के रूप में देख करके काम करता है, प्रभावित होता है और जहां पर भी अखिलेश यादव जी जाते हैं वहां मुलायम सिंह जी का नाम रहता है, वो मुलायम सिंह जी के साथ समाजवादी पार्टी का नाम, और लोग, हम सब लोग अखिलेश यादव जी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी के रूप में देखते हैं, वो हमारे नेता हैं। और उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह साहब के सपने को पूरा किया और मुझे लगता है कि लखनऊ राजधानी में जितना काम मुलायम सिंह साहब ने जो सोचा था लखनऊ में विकास का,
वो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। लखनऊ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी रहे हैं, यहाँ से सांसद और भारत के प्रधानमंत्री रहे, वर्तमान में माननीय राजनाथ सिंह साहब बड़े नेता हैं, देश के सम्मानित नेता हैं, वो भी यहाँ से सांसद हैं। लेकिन लखनऊ में जो विकास हुआ है वो माननीय मुलायम सिंह यादव साहब और माननीय अखिलेश यादव साहब ने किया है और उसका लाभ हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। चूँकि हम लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ में जब बैठे हैं तो लग जाहिर सी बात है कि लखनऊ के लोकसभा प्रत्याशी की बात होगी। लखनऊ में आपका ओपोनेंट भारतीय जनता पार्टी का वो प्रत्याशी है जो प्रधानमंत्री के अलावा सब कुछ रह चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के दो दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके सामने चुनाव लड़ना कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, माननीय राजनाथ सिंह साहब देश के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन लखनऊ शहर में जो एज ए सांसद, मतलब जो वो यहाँ के माननीय सांसद हैं, लखनऊ में जो विकास के काम होने चाहिए, लखनऊ राजधानी है और वो दो बार से हैं और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि लखनऊ में विकास होगा, लेकिन वो विकास के काम नहीं हुए हैं। विकास के काम सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय रविदास मल्होत्रा जी, संघर्ष में उनकी एक पहचान है, हर वर्ग में जाते हैं, हर वर्ग के लिए संघर्ष करते हैं, जेल जाते हैं, आंदोलन करते हैं और वो वर्तमान में MLA हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3-4 बार MLA रहे हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं और हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो वर्तमान में हम लोगों को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। लेकिन क्या ये समर्थन इतना ज़्यादा है कि रविदास मल्होत्रा जी ये चुनाव जीत जाएंगे और राजनाथ सिंह को हरा देंगे? देखिए, जो समर्थन मिल रहा है जनता का, सम्मानित जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जिधर जा रहे हैं, जो बैठकें हो रही हैं, उसमें यही आवाज़ आ रही है कि रविदास जी चुनाव जीतेंगे। चूँकि आप पुराने नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी के, बस एक आखिरी सवाल आपसे ये करना था, मुलायम सिंह यादव की शुरुआती राजनीति, चाहे वो लोकदल की हो, उसके बाद फिर जनता दल की हो, पूरी की पूरी राजनीति कांग्रेस विरोध की राजनीति रही है और आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी उनकी बनाई हुई इतनी कमजोर स्थिति में आ गई कि आपको कांग्रेस का ही समर्थन लेना पड़ रहा है। आप पुराने समय को और नए समय को कैसे देख पा रहे हैं? क्या आप जैसे पुराने नेता इससे तालमेल बिठा पा रहा है? देखिए, जब माननीय मुलायम सिंह साहब संघर्ष करते थे, मेहनत करते थे राजनीति में, आज का जो दौर है वो बदला हुआ दौर है। आज में जो केंद्र की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार चुनी गई है, जनता ने उनको मत दिया था, जनता ने उनको चुना था कि वो जनहित में काम करेंगे, वर्तमान समय में केंद्र की प्रदेश की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। बदलाव का दौर है, जनता समझ रही है और मैं समझता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसको सफलता मिले। क्या ये सफलता सिर्फ लखनऊ तक सीमित रहेगी या लखनऊ और ये बगल की आपकी जो सीट है मोहनलालगंज, दोनों? मोहनलालगंज भी हमारी सीट, हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी चौधरी साहब हैं, बहुत आलिशान चुनाव लड़ने और पूरी उम्मीद है। अभी माननीय अखिलेश यादव जी की कल सभा हुई है, अपार भीड़ थी और उससे लगता है कि निश्चित तौर पर वो सीट भी हमारी जीते। और पूरे प्रदेश का क्या हाल है? हम लखनऊ शहर में ही रहे, यहाँ पर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। तो ये थे लखनऊ के जिलाध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी साहब, जिनसे हम लखनऊ खासतौर से, चूंकि ये हॉट सीट बनी हुई है राजनाथ सिंह की वजह से, तो उनसे ये तमाम बातचीत कर रहे थे। ये आपको बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।